यार ये होती है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क, कि तुम अपने टास्क को किस लेवल पे प्रायोरिटाइज करते हो, तुम अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कैसे करते हो। एमबीए में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अरे कोई सेल्स एंड मार्केटिंग की टर्म पढ़ा दी भैया ऐसे होती है, कि या कोई ऐसा टूल नहीं सिखाया जा रहा जिसमें तुम्हें कुछ ऐसा मजा आ जाएगा कि भाई हाँ भाई अब तो मेरी कंपनी चल जाएगी, इस एमबीए को हायर कर लो हमारी कंपनी चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। वहां पे लाइफस्टाइल बिल्डिंग सिखाई जाती है, आपको अपना लाइफस्टाइल खुद बदलना आना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब मैं एमबीए करने गया था वहां पे हमें भैया 2 घंटे की स्लीप देते थे पूरे दिन में, क्लासेस एक्टिविटीज सोसाइटीज कुछ भी बोल लो तुम, फिर गेम्स, फिर भाई रात को जॉगिंग, फिर रात को डिबेटिंग डिस्कशंस, फिर नया टॉपिक आ गया, अब नया सबमिशन आ गया, अब ये टीचर बोल रहा है, अब ये फैकल्टी बोल रही है, कुछ ना कुछ वहां पे चलता रहता है। सारे के सारे पैसे इसी के हैं यार, तुम्हारा रूटीन जो स्ट्रांग बना रहा है सारे के सारे पैसे उसके हैं, समझ रहे हो। फिल योर सेल्फ विथ फोकस, इट विल इवेंचुअली मैटर। अगर तुम अपने आप को फोकस से नहीं भर रहे हो ना यार, तुम्हारे पेट में तुम्हारे दिमाग में एक लिमिटेड ही जगह है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड जगह है। तुम्हें लग रहा होगा अरे दिमाग में तो इनफाइनाइट चीजें हो सकती है, हम तो सिर्फ 2% ऑफ ब्रेन यूज कर रहे हैं अपना, वो सब बातों में मत पढ़ो, तुम इस आर्ग्यूमेंट में मत पढ़ो। तुम अभी मानो तुम्हारे पेट में और दिमाग में बहुत लिमिटेड जगह है, उसके अंदर या तो तुम खाना भर लो, या ट्रैवल भर लो, या अपना रिलेशनशिप भर लो, या अपने फ्रेंड्स भर लो, या अपनी फैकल्टी भर लो, या अपने एकेडमिक्स भर लो, या कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव भर लो। हर चीज का कॉम्बिनेशन साथ में लेके आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी के ऊपर हमारी नेक्स्ट बात है यार, मल्टीटास्किंग क्या हो सकती है, हम अपना शेड्यूल क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे। भैया आज मैंने शेड्यूल बनाया था, फॉलो नहीं हो पा रहा। अरे भैया इसलिए नहीं फॉलो हो पा रहा, तूने 10 चीजें लिख ली इसमें से 2 भी नहीं हो पा रही देर से। ऐसा क्यों? सोचने में कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। 10 चीजें एक दिन में कोई नहीं कर सकता है। वो लोग बेवकूफ है जो तुम्हें बता रहे हैं, और तुम बेवकूफ हो, महाबेवकूफ हो जो सुन रहे हो उनकी बात कि हाँ यार मैं तो 10 चीजें एक दिन में कर लेता हूं। मैं ये नहीं कह रहा मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती, बट मल्टीटास्किंग करने से पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। मैंने डिसाइड कर लिया आज मेरी कॉलेज की क्लास है, आज मैं जिम जाऊंगा, आज मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा, और आज मैं कोडिंग के बारे में कुछ ना कुछ सीखूंगा। ये मेरा एक दिन का पूरा शेड्यूल है। अब मुझे 5वीं चीज इसमें लेके नहीं आनी, बिल्कुल नहीं लेके आनी। फिर मेरा नेक्स्ट डे का शेड्यूल, आज है मंडे, नेक्स्ट डे का शेड्यूल क्या है, ट्यूसडे का शेड्यूल है। अब मेरी कॉलेज की क्लासेस तो है ही, अब मैं सीखूंगा कि यार फ्रीलांसिंग कैसे काम करती है, अब मैं किसी नया यूट्यूबर को फॉलो करूंगा और उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, नेटवर्किंग करूंगा, अब मैं एक नया सीवी बनाऊंगा आज अपना। ये मेरा ट्यूसडे का शेड्यूल हो गया। अब देखो मंडे का शेड्यूल और ट्यूसडे का शेड्यूल, इनमें काफी डिफरेंस है। देखो इससे ही लाइफ आपकी ना मोनोटोनस हो रही है और आप नई नई चीजें सीख रहे हो हर रोज। तुम कहोगे सर क्या एक दिन एक एक्टिविटी को देना क्या मोर देन सफिशिएंट है, कि मतलब मैं एक दिन में एक ही काम कर रहा हूं? नहीं, एक दिन में 4 काम करो, बट उन 4 काम में लग जाओ, घुस जाओ। अगर आप सोचो मैं ये भी कर लूं, देखो यार जवानी में क्या होता है, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं, अरे मैं स्टार्टअप भी खोल लूंगा, भाई मैं तो इंटर्नशिप भी कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप डूइंग नथिंग, बिलीव मी। एंड तुम इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे होगे, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में तुम इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे होगे। तो उसको कैसे सॉर्ट किया जाए, 4 टास्क उठाओ, 3 टास्क उठाओ, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टास्क उठाओ, बट जो भी टास्क उठाओ ना भैया घुस जाओ उसमें। वो दिन तुम्हारा टास्क से कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो दिन का तुम्हारा पूरा का पूरा मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए मैं इन 3 टास्क के बारे में जितना जान सकता हूं, जितनी जान लगा सकता हूं लगा दूं। तुम कहोगे कॉलेज भी एक टास्क है, हाँ यार कॉलेज एक टास्क है, जो तुम्हें कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है तुमसे पूछा जाएगा, तुम किसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन ले रहे हो उसमें तुमसे पूछा जाएगा, किसी कंपनी में जाने के लिए ट्राई कर रहे हो उसमें तुमसे पूछा जाएगा, एकेडमिक्स उनको प्यार से अगर समझोगे ना बहुत कुछ सिखाने को मिलता है उसमें। सारे के सारे पैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर क्यों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें एकेडमिक्स से कुछ ना कुछ विड्रॉ करना है। अगर यार क्लास में 60 बच्चे हैं, 58 बच्चे सो रहे हैं और 2 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो आई सल्यूट दोस 2 पीपल बिकॉज उन्हें पता है वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे, कुछ ना कुछ निकल जाएगा उनका, 58 से तो बेटर ही हैं वो। अब जब मैंने 4-4 करके 3-3 करके एक एक दिन में टास्क करना शुरू कर दिया ना, देखना तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होता रहेगा। एक दिन में पहले तुम 3 टास्क कर रहे थे, फिर हल्के हल्के, मैं वीकली बता रहा हूं, ये नहीं कि अगले दिन से 4 करना शुरू कर दो उसके अगले दिन से 5, देखना वीकली तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा और तुम देखोगे कि यार 2 महीने पहले मैं सिर्फ 3 टास्क करता था एक दिन में, आज मैं 5 कर पा रहा हूं, तो ये क्या है, इंप्रूवमेंट ही तो है यार। इसी को तो ग्रोथ बोलते हैं, सब्सटेंशियल ग्रोथ बोलते हैं इसको। ये ग्रोथ लोगों को नहीं दिखती, सिर्फ तुम्हें दिखती है। अगर तुम किसी को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो, प्लीज मत करना।